नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम टीकॉन बोर्ड कैसे वर्क करता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और बिल्कुल कोई स्कीमेटिक का सहारा नहीं लेंगे, वैसे ही समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम मान लीजिए यहाँ पर LVDS कनेक्टर हमारा बना लेते हैं। सपोज यहाँ LVDS आपका कनेक्टर है, ठीक है, इसको और थोड़ा नीचे बनाते हैं तो आपको ईजी रहेगा। ये LVDS यहाँ कनेक्टर हो गया। इस कनेक्टर पर जो भी आपका सिग्नल आएगा, LVDS सिग्नल होंगे, और वो LVDS सिग्नल हमारे मेन बोर्ड से आउट होते हैं और VCC वोल्टेज होता है। तो पहला सपोज मान लो VCC इस साइड भी आ सकता है, VCC वोल्टेज इस साइड पे भी आ सकता है। वो अलग अलग पैनल के हिसाब से अलग होता है, किसी में 3.3 होता है, किसी में 5 वोल्ट होता है, किसी में 12 वोल्ट होता है। सपोज मान लेते हैं हमारा ये VCC वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है और ये है 12 वोल्ट, ठीक है। उसके अलावा आता है, दो सिग्नल हम लेते हैं, ये हुआ 0+, 0- और 0+। इसको रेड सिग्नल भी बोलते हैं कि ये 0+ 0- जो आ रहा है मेन बोर्ड से, अगर इसमें कुछ फॉल्ट आता है तो हमारा पिक्चर जो है उसमें रेड कलर का फॉल्ट आता है, और या तो पिक्चर पूरी तरह रेड दिखाएगी आपको या फिर रेड कलर गायब होगा, इस तरह का इसमें पिक्चर बनता है। दूसरा होता है 1-1+, 1- और 1+। दूसरा सिग्नल ये हो गया 1-1+, इसको बोलते हैं ग्रीन। तो ये जो इसका अगर कुछ फॉल्ट आएगा तो पिक्चर में हमको ग्रीन पिक्चर दिखेगी, या तो पूरी तरह या ग्रीन कलर उसमें से गायब रहेगा। दोनों तरह से फॉल्ट आ सकता है। और जीरो, ये 1-1+ के बाद में आता है 0-1, फिर 2। सीक्वेंस यही रहता है किसी भी LVDS में, आप देखना 0- से शुरू होता है, 0-0+, 1-1+ और 2-2+। ये 2-2+, ये सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल होता है। इसका ब्लू कलर का फॉल्ट होता है, अगर पिक्चर में ब्लू कलर का फॉल्ट आ रहा है, ब्लू कलर गायब है या पूरी तरह ब्लू आ रही है, तो उस केस में हमको इस सिग्नल को चेक करना होता है। लेकिन उसके अलावा अगर नो डिस्प्ले का केस है तो भी आपको इस सिग्नल को चेक करना है, क्योंकि इस सिग्नल के साथ में ब्लू डाटा जो होता है, ब्लू कलर के साथ साथ में इसमें हॉरिजॉन्टल सिंक और वर्टिकल सिंक दोनों सिग्नल भी 2-2+ के साथ में होते हैं। इसलिए अगर इसका ये पल्स नहीं आएगा 2-2+ का, तो हमारा नो डिस्प्ले का केस बनेगा। उसके बाद आता है क्लॉक माइनस और क्लॉक प्लस। ये अगर सिग्नल नहीं रहेगा, क्लॉक नहीं रहेगा, तो भी हमारा नो डिस्प्ले का केस आएगा। तो इसके पाथ में अंदर या तो मेन बोर्ड से जहाँ से आउट हो रहा है वहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लगे होते हैं, वो कई बार हाई वैल्यू हो जाती है, तो हमको यहाँ पर नो डिस्प्ले देखने को मिलता है। उस केस में आपका कोई ब्लिंक नहीं, अगर देखो 2-2+ या क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस का फॉल्ट है, तो उस केस में कई बार क्या होता है कि VCC भी हमारा आ रहा होता है, टीकॉन पर सारे वोल्टेज बन रहे होते हैं, कुछ किसी तरह का बैकलाइट भी ऑन रहती है और कोई ब्लिंकिंग भी नहीं आता है। तो इस तरह के केस में आपको इस लाइन को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, ये जो पल्स हैं, क्योंकि इसकी वजह से पिक्चर हमारा नहीं बनेगा। और लास्ट में एक होता है 3-3+, 0-1-2 क्लॉक, फिर आता है 3-3+, इसको RGB बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा LVDS का कनेक्शन होता है, और किसी किसी में उसके बाद अगर है तो 4-4+, और इसके बीच बीच में ग्राउंड कनेक्शन होते हैं, जैसे 0-0-1-2 बीच में मान लो ग्राउंड का कनेक्शन कहीं पर बीच में, ये दो दो के जोड़े के बीच में ग्राउंड कनेक्शन दिया हुआ होता है। तो इस तरह से आपका LVDS कनेक्टर पर आप चेक कर सकते हो कि ग्राउंड है, उसको तो आप कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हो कौन कौन सी पिन ग्राउंड है। उसके अलावा VCC आपको वोल्टेज मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया, इसको किस तरह से चेक करना है।
अभी इसमें एलवीडीएस कनेक्टर पर हमारी एक तो वीसीसी वोल्टेज आ रहा है, तो ये वीसीसी क्या करेगा, ये सीधा जाएगा इस आईसी को, ये बीच में फ्यूज हो सकता है, फ्यूज रहता है एक, और फ्यूज के बाद में सपोज ये डीसी डीसी आईसी है, तो ये जो भी वीसीसी वोल्टेज होता है वो डीसी डीसी आईसी को जाता है, और डीसी डीसी आईसी क्या करती है, उस सर्किट में जहाँ पर भी जितने भी वोल्ट की सप्लाई चाहिए वो पूरे सर्किट के लिए सप्लाई ये डीसी डीसी आईसी के द्वारा होती है, और बाकी के ये जो सिग्नल हैं एलवीडीएस वो क्या होंगे, ये सपोज रेड वाला हो गया, ये ग्रीन, 0 -0 +, 1 -1 +, 2 -2 +, क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस, और 3 -3 +, ठीक है, ये सारे सिग्नल क्या होंगे, कहाँ जाएंगे, ये एक आईसी होती है उसको बोलते हैं टीकॉन आईसी। तो ये जो एलवीडीएस सिग्नल हैं ये एलवीडीएस सिग्नल्स टीकॉन आईसी को जाते हैं। अब सपोज मान लीजिए आपको किसी टीकॉन बोर्ड पर पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी डीसी डीसी आईसी है, कौन सी टीकॉन आईसी है, तो बिल्कुल आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो वीसीसी वोल्टेज आ रहा है टीवी को ऑफ करके उसकी कंटिन्यूटी चेक करिए वीसीसी वोल्टेज की, किस आईसी पर आपको कंटिन्यूटी मिलती है, जिस आईसी पर वो डायरेक्ट आपको कंटिन्यूटी मिल रही है वो आईसी हो गई आपकी डीसी डीसी आईसी। ये देखिए ये किसी ना किसी पिन पर जाएगा, डीसी डीसी आईसी की किसी ना किसी पिन पर ये वीसीसी वोल्टेज पहुंचता है। अब जो आपका एलवीडीएस है वो आप ट्रैक से भी देख सकते हो, टीकॉन को गौर से देखोगे तो आपको ये लाइन टीकॉन आईसी के अंदर जाती हुई दिखाई देंगी। अब किसी किसी में क्या होता है, सब कुछ एक ही आईसी के अंदर दे दिया होता है, टीकॉन आईसी भी वही काम करती है, डीसी डीसी आईसी भी वही उसी वही आईसी काम करती है, वो एक अलग केस हो गया, लेकिन आपको पहचानने का तरीका यही है कि वीसीसी वोल्टेज से कंटिन्यूटी हो गई वो डीसी डीसी आईसी हो गई, एलवीडीएस सिग्नल जिस आईसी के अंदर जा रहे हैं वो आपकी टीकॉन आईसी हो गई। अब इनके अलावा एक होती है गामा आईसी और एक होती है स्कैन ड्राइवर आईसी, जिस केस में अलग अलग आईसी है मैं उस टीकॉन की बात कर रहा हूँ। सपोज ये अभी क्या होगा, ये जो डीसी डीसी आईसी है अभी टीकॉन आईसी जो लगी है इसको क्या मिल रहे हैं, केवल एलवीडीएस सिग्नल मिल रहे हैं, अभी इसको वर्किंग के लिए वोल्टेज तो चाहिए, तो वोल्टेज कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, इसके वोल्टेज यहाँ से मिलेंगे, ये 3.3 वोल्ट। ये डीसी डीसी आईसी जैसे इसको ये मिलेगा सबसे पहले 3.3 वोल्ट जनरेट करेगी, 3.3 वोल्ट बनते ही ये वोल्टेज टीकॉन आईसी को जाता है, और ये तो हो गया टीकॉन आईसी के लिए सप्लाई। अभी चूंकि ये टाइमिंग कंट्रोलर आईसी है इसके अंदर प्रोसेस भी होता है, ये जो एलवीडीएस सिग्नल आ रहे हैं ये प्रोसेस होके आरएसडीएस सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं जो पैनल के लिए अंदर जाते हैं, एलवीडीएस हैं आरएसडीएस भी सेम ही आउट होते हैं इसी फॉर्म में, 0 -0 +, 1 -1 +, ये सारे सिग्नल इस आईसी से आउट होंगे और वो पैनल के अंदर सोर्स कॉफ में से जाते हैं, सोर्स कॉफ पर पहुंचते हैं ये सारे। तो ये जो प्रोसेसिंग करता है एलवीडीएस को आरएसडीएस में कन्वर्ट करेगा, तो उसके लिए इसको कोर वोल्टेज भी चाहिए होता है, तो ये जो 3.3 वोल्टेज है इसके द्वारा ही यहाँ से लगभग 1.2 वोल्ट के आसपास इसको मिलेगा, एक रेगुलेटर होगा उस रेगुलेटर के द्वारा 1.2 वोल्ट भी इसको मिलेगा। तो ये आईसी की जो वोल्टेज चाहिए वो कंप्लीट हो गए, 3.3 वोल्ट मिल गया, 1.2 वोल्ट मिल गया। अभी ये जो डीसी डीसी आईसी है ये डीसी डीसी आईसी क्या करेगी, वीजीएच भी जनरेट करेगी, हैं वीजीएल जनरेट करेगी और एवीडीडी वोल्टेज जनरेट करेगी। तो ये सब वोल्टेज जनरेट कब होंगे, उसके लिए क्या होता है कई बार ये जो इनपुट सप्लाई है इसका यहीं से इसको इनेबल दे दिया जाता है, इसकी इस आईसी का आप डाटा शीट देखोगे जो भी आईसी लगी है उसका एक इनेबल पिन होता है, उस इनेबल पिन को सप्लाई मिलने के बाद ही ये सारे वोल्टेज जनरेट करती है। तो वो इनेबल किसी किसी में क्या होता है, ये डायरेक्ट सर्किट से दे दिया जाता है तो डायरेक्ट सारे वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है टीकॉन आईसी से द्वारा
एक इनेबल सिग्नल निकलता है और वो इस आईसी को जाता है। जब ये इनेबल सिग्नल इस आईसी को मिल जाएगा तब जाके ये सारे वोल्टेज एवीडीडी वीजीएच वीजीएल ये सब जनरेट होंगे। अभी एवीडीडी वोल्टेज सोर्स को पर चला जाता है, वीजीएच वीजीएल है वो गेट के लिए सप्लाई होती हैं। अब स्कैन ड्राइवर आईसी क्या होती है? अभी ये जो मान लो स्कैन ड्राइवर आईसी है, गेट ड्राइवर भी बोल दो, स्कैन ड्राइवर बोल दो, लेवल शिफ्टर बोलो, तो ये आईसी से क्या है, सीकेवी लाइन आउट होती है। सीकेवी जो सिग्नल आप बोलते हैं वो सीकेवी सिग्नल इस आईसी से आउट होंगे। लेकिन इस आईसी को सीकेवी सिग्नल जब आउट करेगी उससे पहले इसको वोल्टेज तो चाहिए, तो इसके लिए इनपुट क्या होगा, एक तो वीजीएल वीजीएच इनपुट हो जाएगा, एक वीजीएल इनपुट हो जाएगा और एक वीडीडी 3.3 वोल्ट इसको चाहिए। ये स्कैन ड्राइवर आईसी होगी, तो ये स्कैन ड्राइवर आईसी को 3.3 वोल्ट वीजीएच वीजीएल इसके अंदर आएंगे और फिर ये सीकेवी कैसे बनेगा, ये तो इसकी सप्लाई हुई वीजीएच वीजीएल 3.3, ये इसके लिए इनपुट हुए। इसके अलावा टीकॉन आईसी से, टीकॉन आईसी से कुछ पल्स भी इसके लिए आएगी, उनको बोलते हैं सीपीवी ओई, ठीक है, और एसटीवी, ये सब पल्स किसके लिए आएंगी, इस आईसी के लिए, ये ओई भी इसको आएगा। तो इस तरह से ये जो सिग्नल इसको आएंगे, तो सीपीवी जो होगा उससे सीकेवी बन जाएगा, एसटीवी होगा उससे एसटीवीपी बनेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेसिंग ये स्कैन ड्राइवर आईसी के द्वारा होती है। कई बार क्या होता है, वीजीएच वीजीएल हमारे वोल्टेज नहीं बन रहे होते हैं, हम सोचते हैं पैनल में कहीं शॉर्टिंग है, लेकिन ये आईसी के अंदर भी तो ये वोल्टेज जा रहे हैं ना, तो ये आईसी के अंदर जा रहे हैं, तो हो सकता है ये आईसी कहीं शॉर्टिंग हो, उसकी वजह से वीजीएच शॉर्ट हो जाए वीजीएल शॉर्ट हो जाए। तो जहां पर अगर स्कैन ड्राइवर आईसी आपकी अलग से लगी हुई है तो आप उसको पहले आईसी को चेक करिए। अब स्कैन ड्राइवर आईसी कौन सी है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? उसकी पहचान ये है कि जो सीकेवी लाइन है वो सीकेवी लाइन से इस आईसी पे कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी आपको मिल जाएगी। ये जो सीकेवी लाइन बन रहे हैं, सीकेवी सिग्नल, इन पे मीटर रखिए और किस आईसी पर आपको कंटिन्यूटी मिल रहा है वहीं से ये आउट हो रहे हैं, वो स्कैन ड्राइवर आईसी है आपकी। अब अलग अलग केस में अलग अलग हो जाता है, कई बार डीसी डीसी आईसी और स्कैन ड्राइवर आईसी कॉमन होती है, एक ही आईसी दोनों का काम करती है, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। अब बची एक गामा, गामा आईसी को क्या चाहिए, इसको एक तो एवीडीडी इनपुट होता है, एवीडीडी वोल्टेज इसके लिए इनपुट रहेगा, और एक होता है वी रेफरेंस। ये जो वी रेफरेंस है ये भी इसके लिए इनपुट होता है। वी रेफरेंस क्या होता है, ये जो एवीडीडी वोल्टेज होता है इसका ही वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना के, जैसे ये 15 वोल्ट है तो वी रेफरेंस होगा लगभग 12 वोल्ट के आसपास, और वो 12 वोल्ट को डिवाइड रेजिस्टेंस डिवाइड डिवाइड करके गामा 1 गामा 2 गामा 3 इस तरह के वोल्टेज आपको इनपुट देंगे और उसी तरह वो आउट में हमको मिल जाएंगे। और इसी से क्या होता है, वीकॉम, गामा आईसी से ही वीकॉम वोल्टेज जनरेट होता है। अब ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग सर्किट में डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। कई बार क्या होता है डीसी डीसी आईसी और ये जो है स्कैन ड्राइवर आईसी एक में ही होंगी, और कई बार डीसी डीसी आईसी से ही वीकॉम वोल्टेज जनरेट होता है, कई बार यहाँ रेगुलेटर का यूज नहीं करते हैं, ये 1.2 वोल्ट भी इसी आईसी से जनरेट होता है। तो आपको अलग अलग सर्किट में आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि इसमें मेरा किस तरह का सर्किट बन रहा है, लेकिन मेनली जो वर्किंग होता है वो इसी टाइप का होता है। आपको पहचानना इजी हो जाए उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप सीधा यहाँ से कंटिन्यूटी चेक करो, डीसी डीसी आईसी पहचान लोगे, यहाँ से एलवीडीएस सिग्नल जा रहा है वो टीकॉन आईसी हो गई। अब अगर दोनों चीज़ें एक में ही जा रही है इसका मतलब दोनों उसमें ही कंबाइंड है। सीकेवी लाइन की कंटिन्यूटी चेक करो किस आईसी पर मिल रही है, वो आपकी स्कैन ड्राइवर आईसी हो गई, और अगर इसमें डीसी डीसी आईसी पर ही मिल रही है इसका मतलब इसके अंदर ही है वो आईसी,
तो सीकेवी लाइन की कंटिन्यूटी जहां मिलेगी वो आपका लेवल शिफ्टर हो गया, या स्कैन ड्राइवर बोलो, गेट ड्राइवर बोलो, लेवल शिफ्टर बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। गामा आईसी को भी आप पहचान सकते हो, उसके आसपास बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, अगर वो प्रोग्राम वाली नहीं है तो। अगर प्रोग्रामेबल होगी तो SCL SDA पिन आपको देखने को मिलेगी उस आईसी के डाटा शीट में, उसके आसपास कहीं SCL और SDA आपको देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस तरह का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे भी इस तरह का नॉलेजेबल लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।